चार महीने 24 दिन और यही नहीं, रुको जरा सबर करो, 1,26,14,400 सेकंड। हाँ, मुझे पता है कि किसी को भी समझ में नहीं आया है कि शुरू में ही मैं आप लोगों को ये कैलकुलेशन क्यों समझा रहा हूँ। एक्चुअली गाइस, जब फ्री फायर इंडिया का वेट करते करते हम लोग को इतना टाइम बीत चुका है। वैसे भी यार, हम लोग 26 जनवरी का कितना ज्यादा वेट कर रहे थे क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि फ्री फायर इंडिया का अनाउंसमेंट होगा इस दिन, अब तो 28 जनवरी भी आ चुका है, लेकिन दिल में अभी भी ये सवाल है कि फ्री फायर इंडिया कब आएगा। हे गाइस, तो कैसे हो यार? इस बार OB43 अपडेट का हम लोग कितना ज्यादा वेट कर रहे थे एंड इस बार OB43 अपडेट में हम लोग को ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन दो चीज जरूर मिले हैं, एक तो पिंग इश्यू एंड एक लैग इश्यू। हाँ, अपडेट के बाद से ये सभी को गेम में देखने को मिल रहा होगा एंड आप लोग को भी देखने को मिल रहा होगा। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो तो वीडियो में जानेंगे। फरवरी मंथ के बुया पास के साथ साथ तो अभी काफी सारी अपडेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन यार सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि ये फ्री फायर इंडिया आखिर आएगा कब। मतलब 146 दिन का वेट कराने के बाद भी इनका वीक कंप्लीट नहीं हो रहा है। फ्री फायर इंडिया को पोस्टपोन करने से पहले फ्री फायर वालों ने कुछ ही वीक की बात की और आखिर ये फ्री फायर इंडिया को लॉन्च करेंगे तो कब करेंगे। यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 6K लाइक। और यार, अगर आप लोग चैनल में नए हो तो अपने हिसाब से सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन ये घंटी को ऑल पे प्रेस सभी को ही करना। आओ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आज सुबह में जैसे ही उठाना, उसके बाद जैसे मैंने फ्री फायर गेम को ओपन किया, उसके बाद से मुझे गेम के अंदर ये फायर वाला एनिमेशन देखने को मिला। लिटरली ये देखने में काफी ज्यादा ऑसम है एंड मजे की बात तो ये है ना कि इसमें जो एरोप्लेन है वो टेढ़ा भी होता है। चलो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि ओवी अपडेट के बाद से हम लोग गेम में काफी ज्यादा पिंग इशू, लैग इशू एंड हीटिंग इशू भी देखने को मिल रहा है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो यार, ओवी अपडेट के बाद से हम लोग गेम में काफी सारे नए नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। वही अगर आप लोग सेटिंग में जाओगे वहाँ पर आप लोग को काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप लोग नोटिस करोगे अपडेट से पहले हम लोग को यहाँ पर ओनली अल्ट्रा तक का ग्राफिक देखने को मिल रहा था, लेकिन अपडेट के बाद से यहाँ पर एक मैक्स का न्यू ऑप्शन आ चुका है। यार, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो देखो ये क्या बोल रहा है। यहाँ पर ये साफ साफ ये बोलना चाहता है कि अगर आप इस वाले फीचर का यूज करोगे तो आप लोग का जो गेम है ना वो बहुत ही ज्यादा हीट होगा और लैग भी करेगा। अगर आप लोग को भी गेम में हीटिंग एंड लैग इश्यू देखने को मिल रहा है और अपडेट के बाद से आपने भी इस वाले फीचर को ऑन किया, यार इस वाले ऑप्शन को ऑफ जरूर से कर देना, क्योंकि अगर आपने इसको ऑन किया है एंड अगर आप लोग के पास हायर डिवाइस नहीं है ना मेरी तरह, तो यार गाइस ये फोन में बहुत ही ज्यादा हीटिंग एंड लैग इश्यू करने लग जाएगा। एंड बात करें उनकी, जिसने इस वाले फीचर को तो ऑन नहीं किया है फिर भी उनका गेम बहुत टाइम से पिंग इश्यू होता है एंड लैग बहुत ज्यादा कर रहा है। हम लोग को सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन देखने को मिलता है नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, इसको ऑन कर देना। आगे आप लोग को क्या करना है कि नॉर्मली आप लोग को मेन्यू में जाना है एंड आप लोग का ऐप जहाँ पे भी शो कर रहा है फ्री फायर मैक्स, जैसे मेरे को यहाँ दिख रहा है, इसके स्टोरेज में जाके इसके क्लियर कैचे को क्लियर कर देना। हाँ, एक बार फोन को स्विच ऑफ करके ऑन जरूर से कर लेना, बाकी यार इसे काफी हद तक आप लोगों को गेम के अंदर रिलीफ देखने को मिलेगा। तो चलो गाइस, अब बात कर लेते हैं फ्री फायर इंडिया के बारे में कि फ्री फायर इंडिया आखिर अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहा है एंड इतना लेट वो क्यों कर रहा है। बिकॉज़ यार आप लोग देख सकते हो कि मैंने फ्री फायर इंडिया जब 5 सितंबर को लॉन्च होने वाला था ना, उस समय से लेकर अभी तक पूरा कुंडली निकाल दिया है। यार आप लोग देख सकते हो कि हम लोग 146 दिन से फ्री फायर इंडिया का वेट कर रहे हैं, मतलब आधा साल तो वेट करने में निकल गया। चलो जान लेते हैं कि फ्री फायर इंडिया इतना लेट क्यों कर रहा है एंड फ्री फायर इंडिया का अब जो अनाउंसमेंट हो सकता है वो कब होगा। सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि दुनिया का ये पहला ऐप बन चुका है फ्री फायर इंडिया, जिसने सबसे ज्यादा लोगों को वेट करा दिया है। एंड अमेजिंग बात तो ये है कि जितना लोग वेट कर रहे हैं ना उतनी ही पब्लिक बढ़ रही है। फ्री फायर इंडिया में आगे को जानने से पहले आप लोग अपनी राय बताओ कि आप लोग अभी भी फ्री फायर इंडिया का वेट कर रहे हो ना। सबसे पहले फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा लीक निकल के आ चुका है एंड लीक कुछ ऐसा है, यूरोप में काम करने वाले फ्री फायर के जो एम्प्लॉय है फ्री फायर वालों ने उनको निकाल के इंडियन सर्वर के लिए उनको भेज दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि रितेश भाई इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब यूरोप के एम्प्लॉय को निकाल के इंडियन सर्वर में भेजना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप लोग थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। उसी के साथ साथ अभी लीक तो कुछ ऐसे आ रहे हैं ना कि फ्री फायर को जो ऑर्गेनाइज करते हैं बड़े बड़े जो कास्टर्स होते हैं उनकी ओर से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना कि जो फ्री फायर इंडियन चैंपियनशिप है वो आप लोग को 2 अप्रैल को देखने को मिलेगा। आगे उन्होंने ये बोला है ना कि अप्रैल के 1-2 महीने पहले यानी कि फरवरी और मार्च के बीच में हमें फ्री फायर
डंडा देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि आप लोग को ही पता है कि जो फ्री फायर के जो कास्टर्स हैं ना यार गेम का एक्चुअली जो रिलीज डेट है ना वो कभी भी नहीं बताएंगे, वो 1 से 2 महीना बोल रहे हैं। तो आप लोग ये मान के चलो कि गेम आप लोग को शायद से फरवरी में देखने को मिल सकता है। वैसे भी गाइस आप लोग को पता है कि वर्ल्ड सीरीज स्टार्ट होने वाला है एंड अगर इंडियन टीम उसके अंदर खेलना चाहती है उससे पहले फ्री फायर इंडिया को आना पड़ेगा। जहां तक मैंने सुना है ना कि जो बड़े बड़े ई स्पोर्ट प्लेयर्स हैं उन्होंने ये दावा किया है ना कि इस बार वर्ल्ड सीरीज के अंदर हमारी इंडियन टीम जाके रहेगी। एंड वही बात करें कि फ्री फायर वाले बार बार टाइम को एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? एक्चुअली गाइस इसके पीछे क्या रीजन है वो तो अभी तक किसी को नहीं पता है, बट ये बताया जा रहा है कि फ्री फायर इंडिया का जो ऐप है ना वो पूरी तरीके से रेडी है। रही बात की फ्री फायर इंडिया हम लोग को अब कब देखने को मिलेगा, देखो यार किसी को भी कंफर्म लेके नहीं पता कि एक्चुअली फ्री फायर इंडिया रिलीज कब होगा। अगर मैं आप लोग को अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस मुझे ऐसा लगता है ना कि 5 सितंबर को गेम को पोस्टपोन किया गया था, तो हो सकता है मे बी चांसेस बन रहे हैं इस बार 5 फरवरी को हम लोग को फ्री फायर इंडिया का अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है एंड फ्री फायर इंडिया को डाउनलोड करने का ऑप्शन मे बी 13 फरवरी एंड 14 फरवरी के बीच में देखने को मिल सकता है। बिकॉज आप लोगों को तो पता है ना कि उसी दिन मेन फ्री फायर गेम बैन हुआ था, हो सकता है तो फ्री फायर वालों ने ये सोचा है कि यार ये 14 फरवरी को ही हम लोग को गेम को लेके आना है। गाइस मैं आप लोग को लिटरली बताना चाहता हूँ अभी कोई भी कंफर्म डेट निकल के नहीं आई है, अगर कोई भी कंफर्म डेट आएगी या फिर कुछ भी लीक पता चलता है तो सबसे पहले आपका रितेश भाई बताएगा। गाइस मैं तो आप लोग से बस ये बोलूंगा कि हमने इतने टाइम से फ्री फायर इंडिया का वेट कर लिया है, चलो यार थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, जल्दी ही गेम आने वाला है। एंड लिटरली गाइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि फ्री फायर इंडिया को खेलने के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। चलो गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे गेम में आने वाले नेक्स्ट बुया पास के बारे में। आप लोग को बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बुया पास दिखा दिया है बट आप में से कई सारे लोग बोल रहे थे कि हमने नहीं देखा है, कोई बात नहीं वापस से मैं आप लोग को नेक्स्ट बुया पास दिखा देता हूं। लेकिन उससे भी पहले आप लोग ये देखो गाइस इस बार अगर आप लोग को बुया पास परचेज करोगे ना तो आप लोग को इमोट सेक्शन के अंदर 4 एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वैसे भी ये वाला ऑप्शन देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है बट यार ये ऑप्शन उसी को मिलेगा जो लोग बुया पास परचेज करेंगे। यार मैं तो सोच रहा था ना कि ये वाला ऑप्शन को फ्री फायर वालों को फ्री करना चाहिए था, बाकी आप लोग का इस चीज पे क्या ओपिनियन है आप लोग को बताना। अब बात करते हैं बुया पास कौन सा आने वाला है इस फरवरी मंथ में। यार हम लोग को इस मंथ ये वाला बुया पास देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा ऑसम रिवॉर्ड के साथ आएगा। मैं आप लोग को बुया पास के सारे रिवॉर्ड दिखा देता हूँ एंड उसके बाद में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इनमें से कौन सा रिवॉर्ड मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। यार इस मंथ हम लोग को बुया पास में कुछ ये सारे रिवॉर्ड देखने को मिल रहे हैं लेकिन लिटरली मुझे ये जो लूट बॉक्स की स्किन है उसमें जो एनिमेशन है ना वो काफी ज्यादा ऑसम लगा है। उसके बाद से जो ये गन की स्किन देखने को मिल रही है ना, पहले आप लोग बताओ कि ये कौन सी गन है एंड इसकी जो स्किन है ना वो भी काफी ज्यादा ऑसम एंड लाजवाब है। उसके बाद से जो ये बैकपैक की स्किन है मतलब इसको जैसे ही आप लोग लेवल अप करोगे ना उसके बाद से ये मतलब क्या ही निखर गया है। बैकपैक की स्किन भी देखने में काफी ज्यादा ऑसम लग रही है। सबसे ज्यादा ऑसम इसका मेन बंडल, मतलब यार इसके अंदर कितना मस्त इफेक्ट एंड एनिमेशन डाल रखा है। पीछे की साइड इसके 2 हाथ एक्स्ट्रा निकल के आते हैं जो कि एनिमेशन है एंड देखने में लिटरली काफी ज्यादा ऑसम लगता है। एंड गाइस अगर मैं आप लोग को बताऊं कि इससे भी ज्यादा ऑसम रिवॉर्ड आप लोग को देखने को मिलेगा मार्च मंथ के बुया पास में, आने वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो जल्दी से बटन दबाकर बगल वाले घंटी को और भी प्रेस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम।